मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल अब्बा के पास इतने पैसे? अब आपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे, मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक इस सफ़र में मेड इन पाकिस्तान, बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ, पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज नाज़रीन, हमेशा की तरह आप देखते हैं कि हम हमेशा ही आपके साथ एक ऐसी पर्सनैलिटीज़ की, ऐसे अप स्टार्स की मुलाकात कराते हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने काम में बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया होता है, बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी होती है। आज मेरी 118 एपिसोड होने जा रही है। ख्वाबों से तबीर तक का ये सफ़र हमेशा की तरह ही अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए आज एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं। मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि जो इस फील्ड में आए, फैशन की फील्ड में, और उन्होंने फैशन को अपना ना सिर्फ कैरियर बनाया बल्कि फैशन में एक नाम बनाया। ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल दुनिया में भी उन्होंने अब जहाँ जहाँ मौका मिला अपना नाम और अपने काम को मनवाया। उसमें से एक मेरे दोस्तों में से मैं कह सकता हूँ, उन लोगों में से कह सकता हूँ जिन्होंने मेरे साथ, मेरी पब्लिकेशन के साथ, एशियन लाइफस्टाइल के साथ भी काम किया, और ये वो लोग हैं जो रियल में वाकई फैशन फाउंडर्स में से कहेंगे, फैशन पॉइंटर्स में से कहेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लाहौर की बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी और एक बहुत ही वर्सटाइल फैशन डिज़ाइनर की, आमना अजमल। आमना अजमल किशोर एक उनका ब्रांड है, वो उनको डीड करती हैं, फैशन डिज़ाइनर है। ARY के साथ भी उनकी एप्लीकेशन रही है, और ईदी सबके लिए एक ऐसा प्रोग्राम था जिसने पाकिस्तान में एक नया कॉन्सेप्ट और नया रेवोल्यूशन लेकर आए थे उसके थ्रू ARY वाले, और उसको जो मेन हेड कर रही थी आमना अजमल साहिबा थी। आमना अजमल आज मेरे साथ होगी ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आमना क्या थी, कैसे वो डैंडीज से होते हुए यहाँ तक पहुँची, और आज उन्होंने जितने अपने यानी कि काम किए, चाहे वह ब्राइडल किचोर ब्राइडल वीक्स हो, चाहे ब्राइडल कलेक्शन हो, चाहे लॉन कलेक्शन हो, चाहे कैजुअल वेयर हो, फॉर्मल वेयर हो, फैंसी जो भी कलेक्शन उनकी एंट्री, वो उसके पीछे उनका क्या थीम होता था, क्या लॉजिक है, और क्या थ्योरी है, और क्या फिलॉसफी है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए आमना अजमल से आज हम मिलेंगे। ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में मैं वेलकम करता हूँ आमना अजमल को। जी अस्सलाम वालेकुम आमना अजमल, वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीर तक, पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। मेरे आज मेरे लिए बहुत, मैं लकी हूँ कि आमना अजमल वालेकुम सलाम। आमना, जैसा कि आपको मैंने बताया अपने तारुफ में कि हमारा मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करना है, चाहे वो एशियन लाइफस्टाइल मैगजीन हो, चाहे एशियन ट्रेड टीवी हो, चाहे ख्वाबों से तबीर का ये सफ़र हो। आमना, आप उन लोगों में से हैं पाकिस्तान में जिनको पर्सनली मैं जानता हूँ कि जिन्होंने जो भी काम किया बहुत अच्छा किया। थैंक यू। जिन्होंने जितना भी किया दिल से किया, चाहे वो फैशन वीक्स में मैं देखूं आपकी कलेक्शन, चाहे आपके स्टोर पर देखना हो, चाहे एग्जीबिशन में देखें, जितना भी माशाल्लाह काम आपका अच्छा है। आमना, थोड़ा सा बताइएगा अपना कि एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर के तौर पर आप इस फील्ड में जब आई तो कैसे आई, और क्या किन दुश्वारियों का थोड़ा सा सामना करना पड़ा आपको? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं ख्वाबों से तबीर जो है ना, वो जो ख्वाबों की तबीर होती है वो इतनी ईजिली नहीं मिल जाती। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैंने इसको जब शुरू किया था तो बिल्कुल मेरी अभी शादी भी नहीं हुई थी, मैंने अभी ग्रेजुएट भी नहीं किया था, तो बड़ा मुश्किल होता है फैमिली को पहले मनाना कि आपको एक बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर कोई स्टोर लेके दें। अब ऑनलाइन तो काम स्टार्ट नहीं कर सकते थे उस वक्त में, क्योंकि इतने साल पहले ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो मुझे आउटलेट लेना था ऑब्वियसली। उससे पहले मैंने इंटर्नशिप्स की एक दो डिज़ाइनर्स के पास। ऑब्वियसली डिज़ाइनर्स इंटर्नशिप वाले लोगों को इतना कुछ नहीं बताते हैं। मैंने उसके बाद ये सीखा कि जब मेरे पास लोग आते हैं स्टूडेंट्स, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा कुछ सिखाती हूँ। मैं बताती हूँ कि वो कैसे अपना एम्पायर बना सकते हैं,
और एम्पायर बिल्डअप करना आसान नहीं होता, उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। पहले आपने बिल्डअप तो कर लिया, उसको एक बना लिया, स्टोर बना लिया, उस पर आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देर तक नहीं चलती अगर आप उसके ऊपर मेहनत नहीं करते। तो उसमें मेरी तो शादी नहीं हुई थी तब, बिल्कुल मैं यंग थी, तो मैंने अपने फादर से कहा, उन्होंने मुझे माशाल्लाह एक स्टोर बना दिया है मैं मालम रोड के ऊपर ही, तो उससे हमने स्टार्ट किया काम। जब स्टार्ट किया फिर मेरी शादी होगी, फिर मेरा एक छोटा बेटा पैदा हुआ, उसमें मेरी बहुत हर्डल्स आई। हर्डल्स इस तरह आई कि वो बीमार हो गया, उसका 80% वेल्व नहीं काम कर रहा था हार्ट का। तो उसमें मैं कहती हूँ कि मेरे स्टाफ का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन था कि मेरे स्टाफ ने, मैं कोई 2 महीने स्टोर नहीं आई, ना कोई अपॉइंटमेंट्स ली, ना कुछ की, और उसी टाइम मेरा बिल्कुल पीक टाइम था, 2009 की बात आप करेंगे 10 की, तो बड़ा पीक टाइम था मेरा उस टाइम। तो मैं 2 मंथ्स नहीं आई उसमें, फिर स्टाफ ने उसको संभाला और देखा, फिर जब मैं वापस आई तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी ऑब्वियसली। तो फिर उस तरह मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्ट अच्छा तो बहुत था, बट उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। हमने पाकिस्तान जैसे इन्वायरमेंट में रहते हुए फैशन, एक वक्त था मुझे खुद पता है कि जब हम फैशन मैगज़ीन प्रिंट करते थे और हम डिज़ाइनर्स के यहाँ जाते थे तो लोगों को समझाना पड़ता था कि फ़ैशन है क्या, फ़ैशन की फ़िलॉसफी क्या है। लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता थे, पाकिस्तान में फ़ैशन की पहचान नहीं पता था लोगों को, रियल में फ़ैशन है क्या। लोग एक कपड़े को सीने वाले को शायद वो फैशन डिज़ाइनर समझते थे या इस तरह का लोगों का था। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में फिर फैशन इंडस्ट्री है वो अभी बहुत, तो फैशन इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश कर रही है माशाल्लाह, लोगों को पता चल चुका है। जब हम थे तब सिर्फ 5 से 6 डिजाइनर्स थे, ज्यादा लोग थे ही नहीं, नहीं थे बिल्कुल, और वही लोगों के पास सिर्फ एक क्लास आती थी जिसको हम केटर कर रहे होते थे। ऐसा नहीं होता था कोई, मतलब अगर किसी ने इकोनॉमिकल जोड़ा लेना है तो तब कॉन्सेप्ट ही नहीं थे डिजाइनर के पास आने के ना। इस टाइम तो हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिकल जोड़े भी बना रहे हैं, क्योंकि अब हर गली में ना एक डिजाइनर है। अगर उसने कुछ नहीं भी पढ़ा कहीं भी, कुछ कितेर का पता ही नहीं है, अगर चले कितेर का नहीं भी पता तो किसी डिज़ाइनिंग सेंस का भी नहीं पता, तो वो घर से उठ के डिज़ाइनर बना हुआ है। तो अभी मेरा ख्याल है कि अभी फील्ड ज़्यादा मुश्किल है। कैसे? क्योंकि मैं बताती हूँ उसका, आपको ये बताऊंगी मैं कि हम लोग जो जोड़ा बनाते हैं उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा आती है, क्योंकि हम उसकी हेम्स पे बहुत फोकस कर रहे होते हैं, कहीं से कोई धागा ना निकल रहा हो, प्रॉपरली हेम्ड हो, प्रॉपरली उसके ऊपर काम, हैंडवर्क भी अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा हो, और उसको कहीं पे भी ऐसा ना लग रहा हो कि वो कहीं से कोई एक धागा भी निकला हुआ है। बट आजकल लोग ये नहीं कर रहे, वो 2-3 टगअप करके एक अच्छा फ्लोई जोड़ा बना के जो नज़र आ रहा होता है ऑनलाइन बड़ा खूबसूरत, वो बेच रहे हैं और लोग ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब लोगों को नहीं, इसका मतलब लोगों को फैशन सेंस नहीं है। मैं है ये नहीं, यही बात है। मुझे आज भी पता है अच्छा काम करने वाले लोग, अगर मैं उमर सईद की बात करूं, बिल्कुल बहुत अच्छा वो लोग हैं। उमर सईद का काम आप देखें, एक एक अगर चादर उनकी, एक एक दुपट्टा इतने देर में बनता था, क्यों बनता था? बंटो काजमी देखें, और आप एक एक शॉल उनकी, मेरा ख्याल है 6-6 महीने लगी रहती है। इसी तरह हमारे ब्राइडल 6-6 महीने लगते हैं। आपा को देखें, नीलोफर शाहिद, नीलोफर शाहिद तो लाहौर में आप देखें एक बड़ा नाम है। नहीं, ना सिर्फ लाहौर में, वर्ल्ड में। नहीं, वर्ल्ड में तो है, मैं एक बात कर रही हूँ कि लाहौर में कुछ ऐसे, क्योंकि ये ब्लेस्ड है हम के लाहौर में होते हैं, बिल्कुल, तो वो काम नजर आते हैं। इसी तरह अगर आप मेरा काम देखेंगे तो आपको हैंडवर्क ज्यादा नजर आएगा, और आज भी वही है। मतलब मेरे फ्रेंड्स मुझे ये कहते हैं कि हम भी ब्रांड बना के बैठे हैं, हम बेच रहे हैं भाई, चीजें बिकती हैं, 3,000 रुपए में जोड़ा बिकता है, हम नहीं बेच पाते भाई। अच्छा, इसमें एक चीज थोड़ा सा मैं समझता हूँ, मीडिया का भी रोल है जी। लाइक जैसे हम पब्लिकेशन में जैसे ऑन करते हैं, तो जब पब्लिकेशन में जब किसी शूट्स आप लोगों के प्रिंट होते थे और मैगजीन लेके कोई प्लान करके जब यूके से या मिडल ईस्ट से पाकिस्तान लड़की आती है शादी करने के लिए, जब सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया नहीं था, तो उसने पूरा प्लान किया होता था कि मैंने पाकिस्तान जाना है तो किस ज्वेलर के पास जाना है, किस डिज़ाइनर के यहाँ जाना है, किस ब्यूटी सलोन पर जाना है, उसका एक प्लान होता था। लेकिन अभी वो वही मैगजीन लेके या सोशल मीडिया के पिक्चर देखो, लिबर्टी में बेसमेंट में वो कारीगर के पास होती है। मैं अब आपको बताती हूँ, उसी डिजाइनर की जो सोशल मीडिया जो है ना, उसने थोड़ा सा हमारा काम भी खराब किया, थोड़ा नहीं ज्यादा कर दिया। मैं बताती हूँ क्यों। पहले मैगजीन्स होते थे, मैगजीन पब्लिश होते थे और वो क्या क्वार्टरली होते थे, क्वार्टरली कलेक्शन भी क्वार्टरली आती है जो डिजाइनर की है। वो क्वार्टरली पब्लिश हुआ, लोगों ने देखा, वो फिर डिफरेंट जगहों पे बिकता था भाई, बाहर इंटरनेशनली भी बिकता था, यहाँ पे भी बिकता, लोग उसको देखते थे। अब सोशल मीडिया पे एक दफ़ा एक सेलिब्रिटी जोड़ा पहनती है जिसको वो 2 से 3 लाख रुपए पे करते हैं पहनने के लिए, और वो कोई भी दे देता है। वो इसलिए देता है क्योंकि उसे पता है 2 से 3 लाख का 10 तो निकाल ही लेगा ना, और कॉपी भी हो जाता है, और कॉपी भी हो जाता है फौरन। तो वो वहाँ से वो देखते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि है क्या।
कई दफा तो ऑनलाइन में भी वो बेचारे धोखा खा जाते हैं ना, उनको वो चीज मिल रही होती है जो सही है ही नहीं। तो ब्राइडल जोड़ा मैंने आज तक कभी भी एम्ब्रॉयडर्ड नहीं देखा था पहले, जिसपे सिर्फ एम्ब्रॉयडरी है, बारोदार की मशीन थी और उसपे लाइट लाइट सी छोटी छोटी चीजें लगी है। ब्राइडल का मतलब है ब्राइडल। अभी आप थोड़ी देर बाद हमारा काम दिखाइएगा करीब से, तो आपको अंदाजा होगा कि काम होता कैसे है। हाथ से बनना एक एक मोती सितारा कोरा दबका चीजें लगना बड़ा मुश्किल काम है और उसकी प्राइस होती है। बट अब तो पहचान ही नहीं है। इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं जी। नाज़रीन, मैंने पहले जैसे क्या कहा कि आमना अजमल स्पेशली उन डिज़ाइनर्स में से हैं जो वाकई रियल में काम को समझती हैं, इनका काम खुद अपनी यानी कि एक पहचान है। और इसके साथ मैं एक स्मार्ट सा ब्रेक लूँगा, मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। लॉन जब आप करते हैं ना, तो लॉन में कुछ डिज़ाइनर्स ऐसे कर रहे हैं, खैर मैंने नहीं किया, मैं आपसे पहले बताऊं, मैंने भी लॉन लॉन्च की है और माशाल्लाह अच्छी लॉन भी गई हमारी, अनस्टिच लॉन। तो उसमें क्या होता है कि कुछ डिज़ाइनर ये कर रहे हैं और वो उन्हीं की फैक्ट्रीज में जहाँ वो लग रहे हैं और साथ ही रेप्लिका लगा देते हैं, मगर रेप्लिका में थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाबों से तबीर तक इस सफ़र में मेड इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ, पावर्ड बाय मॉडर्न स्टील और ग्रुप ऑफ कंपनीज, और मेरे साथ मौजूद है आमना अजमल। आमना, पाकिस्तान में एक नई चीज़ आ चुकी है काफ़ी अरसे से, जिसको तमाम फैशन इंडस्ट्री को भी उसका सामना है, तमाम फैशन डिज़ाइनर्स को भी उस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक उसका सलूशन कोई नहीं आया, और वो है रेप्लिका। ये तो आपने दुखती रख पकड़ी है ना हर डिज़ाइनर की। रेप्लिका ऐसे आता है, वो आता ऐसे, तो ऐसे ऐसे है, लेकिन उसमें वो डिज़ाइनर जहाँ जो उसकी मेहनत है, जो उसकी क्रिएशन है, वो पीछे चली जाती है। बिल्कुल ऐसे। तो वो इसका आप क्या समझती है, ये कहाँ तक अफेक्ट करता है आप लोगों के काम? बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। मैं अभी आपको रिसेंटली बताती हूँ कि एक जोड़ा हमारा ब्लैक कलर का बहुत वायरल हुआ। अच्छा, वो हमने ओरिजिनली जो प्राइस लगाई हुई थी वो उससे 50% ऑफ पे रेप्लिका में मिल रहा था, और 50% ऑफ बहुत ज़्यादा ऑफ होता है। यानी आप देखें, हमने मेहनत की उसके ऊपर, उस जोड़े को फिर हिट करने के लिए आपको ऑब्वियसली एक शूट कराना पड़ता है या किसी सेलिब्रिटी को पिलाना पड़ता है, कुछ भी मेहनत करनी पड़ती है भाई। वो लोगों ने वहाँ से बाय करना शुरू कर दिया, फिर ओरिजिनल का कोई रहता ही नहीं है। और मतलब अगर क्लाइंट पूछ रहा है प्राइस यहाँ से और वहाँ से, तो वहाँ से ले रहा है। ये बहुत ज्यादा डिजाइनर्स के साथ हो रहा है आजकल। तो ये भी सुनने में आया कि डिजाइनर्स को चाहता है कि मेरा रेप्लिका बने, डिजाइनर्स जो वो कहते हैं मेरी कामयाबी का शेयर ट्रेंड। ये लॉन में है। लॉन जब आप करते हैं ना, तो लॉन में कुछ डिजाइनर्स ऐसे कर रहे हैं, खैर मैंने नहीं किया, मैं आपसे पहले बताऊं, मैंने भी लॉन लॉन्च की है और माशाल्लाह अच्छी लॉन भी गई हमारी, अनस्टिच लॉन। तो उसमें क्या होता है कि कुछ डिजाइनर ये कर रहे हैं और वो उन्हीं की फैक्ट्रीज में जहाँ वो लग रहे हैं और साथ ही रेप्लिका लगा देते हैं, मगर रेप्लिका में थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो सेम टू सेम बेच रहे हैं, वो अगर रेप्लिका पे काम कर भी रहे हैं, अब ये कहने की बात है, आई डोंट नो मैंने देखा है या नहीं देखा, मुझे तो फैक्ट्री वालों ने बताया जहाँ पे हो रहा था कि आप भी अपना रेप्लिका लगवा लें जी, ये बहुत बिकेगा, ये होगा। बट मेरा नहीं ख्याल, मुझे ऐसे लगता है कोई डिजाइनर इतना डीफेम वाला काम कर नहीं सकता। अच्छा, मैं आपको बताऊं, 2005 में मैंने सबसे पहले अपने मैगजीन में, एशियन लाइफस्टाइल मैगजीन में, इसके ऊपर आर्टिकल किया था। अच्छा, दूसरे काम में फॉर्मल वेयर में रेप्लिका था, ये सब चीजों में था। इसका मैं आपको एक बड़ी मजे की एक मतलब वो शेयर करूंगी स्टोरी। मेरी कजन है, वो सरगोधा में है, मैं उनसे मिलने के लिए गई और उनके वहाँ पे कोई एक मार्केट है जिसको वो जैसे यहाँ लिबर्टी होती होगी रेप्लिकास की, इस तरह उन्होंने कहीं देख लिया हुआ था, एक मैगजीन के अंदर मेरा ही शूट था, और उन्होंने मुझे कहा तुम ना वो करो, उन्होंने कहा आप करो, मेरे साथ चलो, तुम्हें एक चीज़ दिखानी है, बहुत अच्छे डिज़ाइन है वहाँ पे, ये वो। मैंने कहा अच्छा, शायद मतलब सीख तो आप कहीं से भी सकते हैं ना, आप जाके अगर किसी स्ट्रीट से भी सीख रहे हैं तो चलो चले जाते हैं। मैं गई तो वो सामने हमारा ही मैगजीन खोल के, हमारा ही शूट खोल के रखा हुआ, कहा ये मैम आपका सूट। मैंने कहा ये कितने का बन जाएगा? उसने कहा ये सूट आपका 10,000 में बन जाएगा। मैं तो वही हैरान होगी, 10,000 में बन जाएगा? यानी कि आमना जुमर का 1,00,000 का सूट 10,000 में बन रहा था। आमना, आपके क्या गुजरी होगी, दिल टूट के चकनाचूर। और मैंने फिर पूछा, मैंने कहा आप मुझे बताएं इस पे क्या काम हुआ हुआ है ना, क्या हुआ है? कहता है जी इसके ऊपर ना पहले मशीन का काम हुआ हुआ है, ऊपर ये लगा हुआ है, इसके ऊपर जी ये सारा कोरा भी लगा हुआ है, ये भी लगा, सारी उसने डिटेल बताई। और यहाँ तो वो उसने माइक्रोस्कोप से देख के थोड़ी सी की, अगर मशीन का काम उसमें था ही नहीं। मैंने कहा बेटा इस पे तो मशीन का काम मुझे लग ही नहीं रहा, मतलब पिक्चर में तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। कहता नहीं बाजी, आपको सेम मिलेगा। फिर मैं वहाँ से बाहर निकल आई, फिर अपने दिल को लेते हुए साथ।
तो आप समझती है कि रेप्लिका नहीं होना चाहिए, इसे इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के फैशन इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा है? बिल्कुल नुकसान, यानी कि आप लोगों की जो सेल्स के ऊपर भी फर्क है, सेल पे तो बहुत फर्क है, ठीक है, और फिर जो असल क्रिएशन है वो नहीं हो पा रही, यानी कि ऑब्वियसली, यानी कि रेप्लिका, आप देखें एक ओरिजिनल डिजाइन के ऊपर आपको भी ये बात पता है कि एक इन्वेस्टमेंट आती है, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आती है, यानी आप पहले तो आप सोचते हैं उस डिजाइन को, फिर बनता है, फिर कलर देखे जाते हैं, फिर पूरा एक मूड बोर्ड तैयार होता है, फिर ट्रेस बनता है उसका, फिर उसके बाद अड्डे पे लगता है, फिर वो स्टिच होता है, इतने लंबे प्रोसेस, फिर शूट है उसके बाद, फिर शूट होता है, फिर शूट होता है, उसके लिए भी इतने लोग एंगेज होते हैं, एक सेट लगता है, शूट होता है, मॉडल होती है, मतलब कितने लोगों का रिस्क है वैसे आप ना देखा जाए तो सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया ने आप लोगों का ये काम आसान ही कर दिया, पहले अब शूट्स और फोटोग्राफर, तो वो भी शूट के बगैर कहां आसान है, लेकिन अब तो सिंपल एंट्री आ गई थोड़ी सी, इसमें आप किसी भी मैनिक्विन के ऊपर भी शूट करके लगा सकती है, अब तो थोड़ा सा कम नहीं हो गया? अच्छा, यही तो फर्क है। अच्छा, लोगों को नजर नहीं आ रहा ना, ये नजर नहीं आ रहा है कि भी किस कितनी मेहनत है, किस एक डिजाइनर के लिए कितनी मेहनत हो रही है, इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने की है जी। नाज़रीन, आमना अजमल मेरे साथ हैं और ख्वाबों से तबीर तक का ये सफर भी जारी है। इस वक्त एक ब्रेक का टाइम हुआ है, हम मिलते हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगी, जब हम बिल्कुल स्कूल में पढ़ते थे, मतलब फैशन स्कूल में पढ़ते थे, तब हम ये नहीं बनाते थे, तब हम बिल्कुल ऑफ शोल्डर कपड़े, बड़े अच्छे हाई कट्स वाले, कितोर जो हाई कितोर होता था, मतलब नॉट के आप काम वाले कपड़े और इस तरह की चीज़ें नहीं, बहुत ज़्यादा कट्स वाले इस तरह के बनाते। फिर जब मैं इस फील्ड में आई तो मैंने नोटिस किया कि लोगों के मुताबिक कपड़े बनाने हैं ना, तो जब मैं अब कपड़े डिज़ाइन करती हूँ तो मैं लोगों को देखती हूँ कि पाकिस्तान में लोगों ने पहनने हैं तो कैसे होंगे, अगर फिजीक के मुताबिक, अगर कोई मोटा, अच्छा जैसे जब अपॉइंटमेंट में लोग आते हैं तो कई दफ़ा मदर। वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाबों से तबीर तक का ये सफ़र है जारी और आज आमना अजमल लाहौर ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान की फेमस फैशन डिज़ाइनर है। ये उन लोगों में से मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ जो फैशन के रियल फैशन को समझती और जानती है। जी आमना, आमना जैसे मैंने कहा कि आप उन लोगों में से हैं जो फैशन को वाकई समझती हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आमना, आपने लॉन भी ले कर आई, बिल्कुल, और आपने ब्राइडल वेयर जो थी, ब्राइडल तो मेरा मेन, आपकी मेन यानी कि जो स्पेशलिटी ब्राइडल का, अच्छा एक नया ट्रेंड दुनिया में आ गया लास्ट कोई 7 to 8 ईयर से मैंने देखा, प्रेट वेयर जो पाकिस्तान में पहले नहीं थी, प्रेट आके टोटल फैशन इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। वो अपॉइंटमेंट्स, वो मिलना जुलना जो था एक डिज़ाइनर की शब शुबा एक था, वो बहुत चेंज हो गया। प्रेट वेयर ने आके वही यानी कि जो आपकी कलेक्शन थी लाखों में थी वो थाउजेंड्स में आ गई, थाउजेंड में से अब बल्कि वो हंड्रेड्स में भी आ चुकी है, पीछे भी बैक आ चुकी है। तो आप क्या समझते हैं कि किसी डिज़ाइनर के लिए प्रेट वेयर की कलेक्शन लेकर आना कितना ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए, है कि नहीं? बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए है क्योंकि लार्जरी प्रेट लोगों को चाहिए। पहले भी ऐसा होता था कि कई दफ़ा लोग किसी फॉरेन कंट्री से आते थे, उनको बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चाहिए होती थी, तो वो बनती नहीं थी ना, क्योंकि कम अज़ कम के त्योर में आपको 20 डेज तो चाहिए ना, किसी भी छोटी से छोटी मिनिमम। तो आपने लर्जरी प्रेट निकाली, तो लर्जरी प्रेट में ऑब्वियसली ब्राइडल नहीं हो सकते हैं क्योंकि ब्राइडल एक हैवी इन्वेस्टमेंट होती है, वो आप प्रेट में नहीं रख सकते। ब्राइडल तो ऑर्डर होगा ही होगा, उस पर तो अपॉइंटमेंट होगी होगी, और जो लर्जरी प्रेट है वो लोगों के लिए ज़रूरी हो गई है क्योंकि कभी भी किसी ने कहीं जाना है तो वो कैरी करते हैं जोड़ा और सिर्फ पहन लेते हैं। तो लॉन के भी अब तो लर्जरी प्रेट में आना लग गए हैं, अब तो लॉन ऐसी बनने लग गई है कि वो बिल्कुल ऐसे होता है कि लोग शादी में पहन रहे हैं, सेमी फॉर्मल लॉन, बड़ी खूबसूरत लॉन की डिज़ाइनिंग हो रही है कुछ लेसेस के साथ या कुछ भी हैंडमेड काम बहुत हो रहा है लॉन के ऊपर आजकल। तो प्रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ मेरा ख्याल है, क्योंकि जिस तरह का हैसल वाली लाइफ है ना, तो फैशन इंडस्ट्री में प्रेट का होना ब्लेस्ड है। आमना, जब आप किसी चीज़ को डिज़ाइन को बना रही होती है स्पेशल, तो किस चीज़ से इंस्पिरेशन लेती है? किसी भी चीज़ से। किस से? क्या पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है उनकी उससे इंस्पिरेशन तो ले लूँगी तो कुछ नहीं बनाऊंगी। तो फिर क्या आपके माइंड मतलब में होता है, यानी कि क्लाइंट के लिए उसका टेस्ट, अच्छा मैं आपको कलर से खेलना क्या थोड़ा सा मुझे बताएं? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगी, जब हम बिल्कुल स्कूल में पढ़ते थे, मतलब फैशन स्कूल में पढ़ते थे, तब हम ये नहीं बनाते थे, तब हम बिल्कुल ऑफ शोल्डर कपड़े, बड़े अच्छे हाई कट्स वाले, कितोर जो हाई कितोर होता था, मतलब नॉट के आप काम वाले कपड़े और इस तरह की चीज़ें नहीं, बहुत ज़्यादा कट्स वाले इस तरह के बनाते। फिर जब मैं इस फील्ड में आई तो मैंने नोटिस किया कि लोगों के मुताबिक कपड़े बनाने हैं ना, तो जब मैं अब कपड़े डिज़ाइन करती हूँ तो मैं लोगों को देखती हूँ कि पाकिस्तान में लोगों ने पहनने हैं तो कैसे होंगे, लोगों अगर फिजीक के मुताबिक, अगर कोई मोटा, अच्छा जैसे जब अपॉइंटमेंट में लोग आते हैं तो कई दफ़ा मदर्स कह रही होती नहीं यही जोड़ा लेके लेना है,
मैं कहती हूँ नहीं, ब्राइड से सुनेंगे ना, ब्राइड का अपना इनर भी अच्छा होना चाहिए. जब ब्राइड पहनती है तो खुश होती है. मैं उसकी फिजीक को देख के उसके लिए डिजाइन करती हूँ. डेफिनेटली मेरे ख्याल है सब डिजाइनर्स ऐसे ही करते हैं कि फिजीक को देखते हैं या ये देखते हैं कि किस में वो बहुत अच्छी लगे. अगर ग्रूम लंबे हैं तो ब्राइड कैसे लंबी लग सकती है, उनके साथ बिल्कुल इक्वल लगना चाहिए. अगर ग्रूम थोड़े से मोटे हैं तो ब्राइड उनके साथ भरी भरी कैसी लगे और खूबसूरत कैसी लगे. ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो डिज़ाइन करने से पहले एक पर्सनैलिटी भी होती है. कई दफ़ा जब लर्जरी प्रेट कर रहे होते हैं या हम अपना सैम्पल बना रहे होते हैं तो तब कोई बंदा जहन में नहीं होता, तब ये जहन में होता है इंस्पिरेशन क्या है. किसी भी चीज़ से इंस्पिरेशन हो जाती है. जैसे मुझे मोटिव्स हो जाए, मुगल आर्ट मुझे बहुत पसंद है, मुझे ज्योमेट्रिकल डिजाइन बहुत पसंद है, इस तरह की चीज़ें मैं करती रहती हूँ. यानी उस चीज़ों को फिर आप अपने डिजाइन में अपना वो शौक भी पूरा होता है और आपका वो एक तस्कीन भी होती है. आमना, आप पाकिस्तान की जो फैशन इंडस्ट्री है इसका फ्यूचर क्या देखती है? माशाल्लाह मुझे तो पता है, मैंने तो फैशन इंडस्ट्री को बनते देखा है. जी जी, लास्ट कोई 20 ईयर से तो मैं भी इसका पार्ट रहा हूँ. मुझे पता है कि एक टाइम था कि हम जब लोगों के पास जाते थे फैशन को समझाने के लिए तो लोग बड़ा अजीब सा समझते थे कि फैशन क्या, ये क्या चीज़ है. मैं आपको बताऊं, अब फैशन इंडस्ट्री मेरा ख्याल है फ्लरिश कर रही है बट मर गई है. सीरियसली लोगों को फैशन सेंस नहीं पता. फैशन सेंस पता ही नहीं है. मतलब हम वर्थ नहीं है फैशन की यहाँ पे. हालांकि फैशन को फ्लरिश करना चाहिए था और अच्छा होना चाहिए था. पहले फैशन वीक्स होते थे, उसकी प्लानिंग्स होती थी. आपने एक जोड़ा अगर एक फैशन वीक में इंट्रोड्यूस कराना है, एक तो नहीं खैर कलेक्शन अगर इंट्रोड्यूस करानी है तो उसके पीछे हमारे 3-4 महीने की मेहनत होती थी. हम सोचते थे अब क्या होता है भाई, लोग 15 दिन में फैशन की कलेक्शन बनाते हैं और लॉन्च कर देते हैं, अपना सोलो शो करते हैं और उसको सोशल मीडिया पर हिट कर देते हैं. बल्कि मुझे तो कुछ मेरी कलीग्स हैं, मैं नाम नहीं कहूँगा, कि फैशन इंडस्ट्री के तमाम लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं. तमाम लोग मेरे हैं, तमाम लोगों से मैं हूँ, ठीक है. कुछ डिज़ाइनर्स ऐसे भी हैं जो कि किसी और की कलेक्शन को पकड़ के अपना नेम भी दे देते हैं. इट्स कॉमन, ठीक है. और मैं कहती हूँ हमारे जो ज्यादती नहीं है, ये ज्यादती तरीन है. मैं कहती हूँ, मैं वर्ड नहीं बोलना चाहती, इसको बहुत ही अजीब वर्ड है वो है. आप सोचें कि आप जो नए डिज़ाइनर्स हैं ना, उनको पैसे चाहिए भाई, उन्हें पैसे कमाने हैं. हमें पैसे नहीं कमाने थे, हमें नाम भी कमाना था ना. उन्हें पैसे तो कमाने हैं, नाम चाहे नाम वो कहते हैं एक मिनट में मिलता है. अब पहले वाला वो नहीं है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी. डिजिटल वर्ल्ड है ना, अब तो एक मिनट में मिलता है जी, एक अल्फाज पे मिल जाता है. एक चीज वायरल हो गई तो वायरल हो गई भाई. मगर ऐसा नहीं है. अब इतनी मेहनत कोई बंदा कर रहा है और वो बेच देता है और वो पैसे के लिए बिकती है और वो पूरी कलेक्शन आ जाती है. मैंने ईदी के शो में एक चीज देखी, पता नहीं मुझे उनको प्रमोट करना चाहिए था या नहीं, मगर मैंने किया. मगर ये है कि कुछ डिजाइनर्स वहाँ पे ऐसे आते थे जो उनको कोई सेंस वेंस नहीं थी, मगर उनके पास कलेक्शंस बड़ी आला होती थी. मैंने फिर सोचा कि ये कलेक्शन आला कैसे है, मुझे नहीं पता कि वो कलेक्शन आला. वो फिर मुझे बैकग्राउंडेडली बताया गया कि ये कलेक्शन हमने खरीदी है, इस कलेक्शन को हम लॉन्च कर रहे हैं. और ये मैंने फिर देखा, मतलब मैंने देखा है तो मैं मान रही हूँ ऐसा है. फिर इसके अलावा आमना, चूँकि आप मुझे भी माजी के दरीचों में ले गई हैं, मुझे याद है कि जब फैशन वीक होता था हमारे यहाँ तो बिल्कुल ऐसे था जैसे ईद जैसा समा होता था. एक डिजाइनर के लिए फैशन वीक के लिए कितनी इंपॉर्टेंस होती थी. उस अच्छा डिजाइनर के रैंप की बड़ी तैयारी होती थी, अपने कपड़ों की भी तैयारी होती थी भाई. रातों को जागना, एक प्लान करना, सोचना, ठीक है. और वो रौनकें थी पूरी इंडस्ट्री में. तो अभी कुछ चेंज नहीं हो गया? बहुत चेंज हो गया जी. रातों रात 6 सेलिब्रिटीज आ जाती हैं, वो शो वायरल हो जाता है. अभी तो मैंने वो डिजाइनर्स देखे हैं जिनके कपड़ों में कुछ भी नहीं होता. मैं सच कह रही हूँ, मैंने भी फैशन वीक देखा पिछले दिनों जो हुआ है लाहौर में, मैंने वो फैशन वीक देखा, उसमें से शायद कोई भी नॉन डिजाइनर नहीं था. मैं आपको सच कह रही हूँ, वो डिजाइनर थे जो बिल्कुल नए नहीं थे. और नए बच्चे बच्चियां कह सकते हैं, जो बच्चे बच्चियां भी नहीं थे, बड़े ही हैं, मगर वो बनाए जा रहे हैं. मतलब मगर कहने का मकसद है कि उनके जोड़े क्या थे वो, मतलब उससे चमका चमकी थी, बैकलेस थे, इस तरह की चीजें. कहीं कोई कतेओर का वो नहीं था, कॉन्सेप्ट नहीं था कि जो कभी हमारे जोड़ों में हुआ करता था. पता चलता था भाई हाथ का काम है, खूबसूरती है, डिटेलिंग है, हेम पे डिटेलिंग है, हर तरफ डिटेलिंग है. वो कोई बात नहीं थी, बस कैन कैन लगाई हुई है और उसको कॉपी पेस्ट ज्यादा कहते हैं. मुझे ये पता है कि एक टाइम था जैसे हम निलोफर शाहिद की बात करें
तो उन्होंने जब इंटरनेशनल काम जितना भी किया, पाकिस्तान की पहचान बनी, पेरिस फैशन वीक को तो नीलोफर का नाम आता था, महमूद भट्टी का नाम देखें तो वो पाकिस्तान का एक बहुत, शेरू को देख लें उसने, नो डाउट उसमें कुछ अच्छा, पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री अगर शेरू को अगर पीछे हम कर दें, HSY को, तो शायद पीछे कुछ नहीं रहता। लेकिन उसके बाद आने वाले बहुत सारे लोग अच्छे हैं, बहुत सारे काम, कराची की फैशन को देख लें आप, बहुत हमसे आगे है, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, कुछ न्यू डिजाइनर्स जो आए हैं ना, जो हमारे बाद आए हैं, उनमें से भी कुछ अच्छे हैं, अच्छे ये बात नहीं है कि नहीं है, नहीं, नॉट डाउट, अच्छा काम। कुछ ऐसे हैं जो नहीं है मगर वो बहुत हिट है, पता नहीं आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगी जो ऐसे हैं? मैं तो यही करूंगी कि प्लीज थोड़ी मेहनत करें और मत खरीदें, अपना नाम कमाए, वो काम कमाए, लेकिन मगर वो कहते हैं हम नाम कमा रहे हैं भाई, क्यों भाई वो वायरल होकर नाम कमा रहे हैं। लेकिन वायरल होने वाला जो नाम होता है ना हमना, वो चंद दिनों के लिए होता है, असल काम 15 इयर्स आपको इंडस्ट्री में हो गए, और मैं 15 इयर्स से देख रही हूं, आज हम आपके पास बैठे हुए हैं सिर्फ आपके काम की वजह से, मैंने आपको यानी कि इस इंटरव्यू का पार्ट बनाया और मुझे खुशी है। हमना अब क्या देखती हैं, अभी बड़ा इंपॉर्टेंट मैं यानी कि ये बात करने जा रहा हूँ, पाकिस्तान का फैशन जो है किस तरफ जा रहा है मुल्क हालात में, जिस तरह के मुल्क हालात में तो सर्वाइवल ही बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से वो तो नहीं छोड़ना चाहेंगे ना, मगर जो लोग न्यू हैं और वो नहीं, कुछ लोग नहीं मैनेज कर पा रहे। मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारी रोड है जो MM आलम रोड लाहौर में, एक बड़ी नोन रोड है, उस पर हर साल मैं देखती हूँ डिज़ाइनर बदले होते हैं, हर साल, हम तो खैर वहीं पे हैं मगर हर साल डिज़ाइनर्स बदले होते हैं। इन हालात में सर्वाइवल करना थोड़ा मुश्किल तो है, हमारे लिए भी है, बट हमने तो करना है ना, हमने तो इसको पैशन बनाया हुआ है, मगर लोगों के लिए शायद ये पैशन नहीं होगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या वो हार, हिम्मत भी हार सकते हैं, बट मत हारें हिम्मत, प्लीज थोड़ा सा लगे रहें और हिम्मत ना हारें इंशाल्लाह, बस थोड़ा आने, सा टाइम है, आने वाला वक्त आप ही का, बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमना माशाल्लाह आप एक फैमिली वाले, सॉरी आमना आपकी फैमिली है माशाल्लाह, बच्चे भी हैं, तो अब हाउ इज मैनेज, आप किस तरह से मैनेज करती हैं? मेरे बच्चों को आदत हो गई, वो यूज्ड टू हो गए। मेरे 3 किड्स हैं माशाल्लाह, 2 बेटे हैं 1 बेटी है, बड़ा बेटा मेरा 13 साल का है माशाल्लाह, और छोटा अभी 6 इयर्स का है, तो वो सबको आदत हो गई है, मतलब जिस दिन मैं घर होती हूँ वो सोचते हैं क्यों घर पे हैं। नहीं तो सीजन में जब सीजन होता है बड़ा, मुझे पता है बड़ा हैवी सीजन होता है जी तो तब तो बड़ी, तब तो उसको अपनी मदर की शक्ल भी नजर नहीं आती जी, बिल्कुल ऐसे होता है, काफी दफा नहीं नजर आती, कई दफा क्योंकि मैंने अब सैलून भी शुरू कर लिया हुआ है तो कई दफा मैं बहुत लेट जाती हूँ और वो इंतजार भी कर रहे होते हैं। वैसे मेरे बच्चों की एक आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो सोते नहीं है मेरे जब तक मैं नहीं रहूँ। नहीं, वो तो एक हमारी मशरकी रवायत में से भी है और इसको रहना चाहिए। बाकी चले आमना, मुझे टाइम तो आपसे बातें तो बहुत करने में है, लेकिन इंशाल्लाह ये सिलसिला चलते रहेगा, मोहब्बतों का ये सिलसिला। मुझे थोड़ा सा बताइए कि आप आने वाले नए लोगों के लिए ऐसा क्या कहना चाहती हैं जो फैशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इसको एज ए इंडस्ट्री के तौर पर लेना चाहते हैं और एज ए पैशन और कारोबार के तौर पर लाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? हाँ जी बेटा, मैं तो यही कहूँगी सब डिज़ाइनर्स के लिए कि आप लोग प्लीज़ दिल लगा के काम करें और काम करें, ऐसा ना करें कि कॉपी करें और रेप्लिका करें। देखिए रेप्लिका ने तो, अगर वो बिक भी जाता है, आई नो कि वो कम प्राइजेस में बिक जाता है, बट अगर आप अपनी क्रिएशंस बनाएंगे आपका नाम बनेगा। और ऑब्वियसली आप सब ऑनलाइन भी काम करें मगर स्टोर ज़रूर बनाएं, क्योंकि स्टोर से आपकी अपनी पहचान बनती है, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं। मैंने अपने स्टोर को सस्टेन रखा है। आमना आपने बिल्कुल ठीक कहा है, नोट पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में, यकीन मानिए कि दुनिया में मैं जहाँ भी गया हूँ, अमेरिका, इंग्लैंड, नॉर्थ अमेरिका, हर जगह पाकिस्तान का फैशन और पाकिस्तान की गारमेंट, पाकिस्तान की क्लोथिंग, नो डाउट हमारा जो स्टैंडर्ड है, हमारे जो हमसाया ममालिक भी उसको बीट नहीं कर सके, ना ही कर सकेंगे, जो हमारी क्रिएशन है, ये एक हमारी रवायात में से, ट्रेडिशंस में से है। अभी पाकिस्तानी जोड़ों को बहुत पसंद किया जाता है बहुत ज़्यादा, और ये एक देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए एक कंट्रीब्यूशन है, हमारे डिज़ाइनर्स हमारा एसेट है, हमें फ़ख्र है इन लोगों के ऊपर जो पाकिस्तान के फैशन इंडस्ट्री के लिए दिन रात काम करते हैं। आमना अभी हम आपके स्टोर का विजिट भी करेंगे, आपकी थोड़ी सी नई कलेक्शन अपने क्लाइंट्स को भी दिखाने की, व्यूअर्स को दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत।
मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल अब्बा के पास इतने पैसे? अब आपने घर क्यों बेच दी? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।